Investment in security market are subject to market risks. Read all the related document carefully before investing. हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एंगल वन डीमैट अकाउंट में अगर कोई ट्रेड किए हैं तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस को कैसे लगा सकते हैं। आपको पता है वहाँ स्टॉप लॉस क्या है? नहीं पता है तो वीडियो कंप्लीट देखिए। हम इस वीडियो में बात भी करेंगे कि स्टॉप लॉस क्या है और अगर आप एंगल वन डीमैट अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं तो एंगल वन डीमैट अकाउंट में आप कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखिए बिना स्किप किए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से क्लिक करिए। देखिए, शेयर मार्केट में अगर आप बिल्कुल नया है तो शेयर मार्केट को से जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पे शेयर मार्केट ऑल वीडियो करके एक प्लेलिस्ट लिंक है, उस लिंक को ओपन करिए। वहाँ पे शेयर मार्केट रिलेटेड काफ़ी सारा वीडियो अपलोड है, जैसे कि आप ग्रोम में कैसे फर्स्ट टाइम ट्रेड कर सकते हैं, एंगल वन डीमैट अकाउंट में कैसे फर्स्ट टाइम ट्रेड कर सकते हैं, एम स्टॉक में कैसे फर्स्ट टाइम ट्रेड कर सकते हैं, वो सारे वीडियो वहाँ पे अपलोड है। आप जाकर उस सारे वीडियो को देख सकते हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज ले सकते हैं। मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा कि आप एक वीडियो से सब कुछ नॉलेज ले लेंगे, मगर मैं इतना आपको भरोसा दे सकता हूँ आप वीडियो के आखिर तक स्टॉप लॉस के बारे में अच्छा खासा समझ जाएंगे कि स्टॉप लॉस क्या है और कैसे वहाँ पर लगाना है, यानी कैसे प्लेस करना है। तो चलिए बात करेंगे, अभी हम एंगल वन डीमैट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। एंगल वन डीमैट अकाउंट में पहले से एक ट्रेड लेकर रखा हूँ, तो वो ट्रेड कहाँ पे दिखाई देगा आपको? ऑर्डर सेक्शन पे दिखाई देगा। अगर अभी तक आपको पता नहीं कि एंगल वन डीमैट अकाउंट में कैसे ट्रेड किया जाता है तो हम और भी कंप्लीट वीडियो बनाइए, जो वीडियो में हम कंप्लीट बात किए हैं कि आप एंगल वन डीमैट अकाउंट में कैसे फर्स्ट टाइम के लिए ट्रेड किया जाता है। आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि एंगल वन डीमैट अकाउंट में फर्स्ट टाइम के लिए ट्रेड कैसे किया जाता है। हम पहले से ही यहाँ पर ट्रेड कर चुके हैं और यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस लगा के आपको दिखाएंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टॉप लॉस क्या है और हमको क्यों लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। देखिए, काफ़ी सारा फ्रेंड क्या करते हैं, उनके पास बजट बहुत कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है यानी फंडिंग, वो आते हैं यहाँ पर शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में आप ट्रेड करने के लिए। तो देखिए, स्टॉप लॉस ये है कि हमारा लॉस जो होता है वो लॉस को कम करना, यानी लॉस को जो लॉस होता है उसको मैनेज करने के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। चलिए और आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ स्टॉप लॉस क्या है और कैसे लगाते हैं। देखिए, आप सोच लीजिए मैं कोई भी ट्रेड लिया हूँ, ये सोच लीजिए मैं यहाँ पर एक येस बैंक का 10 शेयर लिया हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आपके यहाँ येस बैंक का 10 शेयर लिया हूँ कितना रुपये में? आप सोच लीजिए मैं 21 रुपये में 10 शेयर ले आऊँ, शेयर में येस बैंक का शेयर में 21 रुपये में ले आऊँ, तो हो सकता है मार्केट 21 से लेके 20 तक आ जाए, 19 तक आ जाए, 18 तक आ जाए, तो मार्केट जितना नीचे गिरेगा मेरा लॉस भी उतना होगा। तो हम लॉस को कैसे कम कर सकते हैं? लॉस को कम करने के लिए हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब ये स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो बात करेंगे। सोच लीजिए हम 21 रुपये में येस बैंक का शेयर लिए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा लॉस ना हो, बस हम 20-30 पैसा या 50 पैसा लॉस ही करना चाहेंगे, उससे ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहेंगे, तो वहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। यानी अगर हम 21 रुपये में शेयर लिए हैं येस बैंक का, कोई भी कंपनी का 21 रुपये में शेयर लिए हैं और हम चाहते हैं बस 50 पैसे का ही नुकसान हमसे बर्दाश्त हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, तो हम 20 रुपये 50 पैसे में इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। जब भी वो मार्केट 20 रुपये 50 पैसे के नीचे आएगा तो हमारा जो जितना भी शेयर था वो अपने आप सेल हो जाएगा और हम 50 पैसे से बाहर हो जाएंगे, तो हमारा लॉस कितना रहेगा? बस 50 पैसा ही रहेगा। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, अगर मार्केट 21 से 20 रुपये 19 रुपये तक आते हैं तो हमारा पर शेयर में 1 से 2 रुपये लॉस हो जाएगा और हमारा लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसलिए स्टॉप लॉस लगाते हैं। चलिए, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है? तो हम आप पहले ऑर्डर पे आएंगे, तो यहाँ पर हमारा आपको दिख रहा है शेयर, मैं यहाँ पर येस बैंक का 10 शेयर लेके रखा हूँ, तो इस पर क्लिक करता हूँ। जब भी उस पर क्लिक करूँगा ये ओपन हो जाएगा, तो नीचे आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको स्टॉप लॉस, तो हम क्या करते हैं स्टॉप लॉस पे क्लिक करते हैं। जैसे स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप लॉस का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो हम यहाँ से और अच्छे से समझते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। देखिए, नंबर ऑफ शेयर मैं 10 शेयर लिया हूँ, अभी स्टॉप लॉस कितना मैं लगाऊंगा? तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस एनेबल है, तो टारगेट प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है? देखिए, टारगेट प्राइस आप टारगेट प्राइस का यही मतलब होता है कि अगर आप 21 रुपये में शेयर परचेस किए,
22 रुपये में आप उसको सेल करना चाहते हैं तो उसको आप टारगेट लगा सकते हैं। मगर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्टॉप लॉस लगाया जाता है जितना भी रुपये में आप परचेस किए हैं शेयर को उससे कम का। चलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 20 रुपये 50 पैसे का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाता हूँ, यानी अभी 20 रुपये 90 पैसा में मार्केट है। जब भी 20 रुपये 50 पैसे में मार्केट आ जाएगा तो ये जो मेरा जितना भी 10 शेयर है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और जो 40 पैसे का लॉस है मैं 40 पैसा लॉस से ही बाहर आ जाऊँगा। तो ये होता है स्टॉप लॉस। अगर आप टारगेट सेल करना सेट करना चाहते हैं तो आप 21 रुपये का टारगेट भी सेट कर सकते हैं कि जब भी 20 रुपये 90 पैसे में 21 रुपये तक ये शेयर चला जाएगा तो अपना मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाऊँगा, उसको टारगेट बोलते हैं। मगर आप स्टॉप लॉस बोलते हैं जो लिमिट होता है कि हमारा लॉस को कम करने का। तो चलिए मैं यहाँ पर 20 रुपये 90 पैसे में मार्केट चल रहा है, मैं यहाँ पर 20 रुपये 50 पैसे में तो स्टॉप लॉस सेट करता हूँ और सेल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ। देखिए ये कन्फर्म हो गया तो ये क्या होता है, ये हमारा ऑर्डर तो कंफर्म हो जाता है, ऑर्डर हमारा जो है ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। मगर अभी क्या होता है ये ऑर्डर हमारा लगता नहीं, यानी ये जो सेल नहीं होता है, क्योंकि जब भी ये मार्केट 20 रुपये 50 पैसे में आ गया तो अपना भी ये सेल हो जाएगा और जो भी हमारा लॉस होगा वो उतना लॉस होगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा, उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि स्टॉप लॉस क्या है, तो अभी आपको बहुत आसान होगा स्टॉप लॉस को समझने के लिए। तो आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए कोई भी किसी में भी आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे ये मैं एंगल वन डीमैट अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप ग्रो में ट्रेड कर रहे हैं या और कोई भी एप्लीकेशन में ट्रेड कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं उस पर भी कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं पूरा डिटेल्स में उसके बारे में वीडियो बना दूँगा। तो चलिए हम क्या करते हैं पोर्टफोलियो पे चलते हैं और ऑर्डर पे चलते हैं, ऑर्डर पे चलेंगे तो ऑर्डर पे हमारा ये ऑर्डर है। तो यहाँ पर देखिए हमारा चल रहा है पोजीशन चल रहा है देश, तो हम स्टॉप लॉस लगा चुके हैं। तो स्टॉक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर स्टॉक डिटेल्स आप देख सकते हैं, मगर हम स्टॉप लॉस लगा चुके हैं 20 रुपये 50 पैसे का। जब भी वो 20 रुपये 50 पैसा पे जाके मार्केट पहुँच जाएगा तो हम अपना आप ही हम यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, देख सकते हैं 20 रुपये में जब भी आप अपना हमारा मार्केट आ जाएगा तो हम अपना आप ही एग्जिट हो जाएंगे। आप चाहेंगे तो बीच में कभी भी एग्जिट ले सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं अभी 20 रुपये 90 पैसा नहीं मैं 20 और अब तो स्टॉप लॉस लगाना सीख गए तो आप चाहते हैं कि नहीं अभी मैं यहाँ से मार्केट को एग्जिट कर दूँगा, तो आप बेशक आप कभी भी किसी भी टाइम पर एग्जिट कर सकते हैं। मगर अभी आप स्टॉप लॉस लगाना सीख गए ना तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके शेयर मार्केट ऑल वीडियो करके की लिंक होगा प्लेलिस्ट लिंक, उस लिंक को क्लिक करिए, क्लिक करके आप सारा वीडियो देख सकते हैं और शेयर मार्केट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज ले सकते हैं। चलिए हम अभी तो 20 पैसा 50 पैसे में आया नहीं, 20 रुपये 50 पैसे में आया नहीं, तो मैं हम पहले से यहाँ पर सेल कर देते हैं सेल 10 शेयर। तो बाय नाउ पे सेल नाउ पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हम सेल करना है, तो सेल मोड पे क्लिक करेंगे 10 शेयर हैं तो 10 शेयर में सेल पे क्लिक करेंगे और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, हमारा सेल भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो चलिए जो भी हमारा पैसा था वो पैसा हम अब जितने भी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे वो थोड़ी देर में हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे आप एंगल ऑन डीमैट अकाउंट में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।